नमस्कार, गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं लेकर हमारा इस हफ्ते का गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन में आप देख सकते हैं बीते हफ्ते की गांव कनेक्शन की ग्रामीण भारत से 7 मुख्य खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं इस हफ्ते की 7 मुख्य खबरों पर। 2012 में निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड के बाद जो है पूरे देश में सनसनी मच गई थी, जिसके चलते एक नया कानून लाया गया, पॉक्सो। इस कानून को आए हुए 10 साल हो गए हैं, पर क्या इस कानून ने जो है यौन पीड़ित जो बच्चे हैं 18 साल से जो कम उम्र के होते हैं, जिनके लिए खासकर ये पॉक्सो का एक्ट लाया गया, कितने ही सफल हो पाया है ये एक्ट ऐसे बच्चों, ऐसे माइनर्स को जस्टिस दिलाने के लिए। गांव कनेक्शन ने जो है एक नई सीरीज लॉन्च करी है, ट्वाइस्ट कर्स्ट, दूसरा बलात्कार। इस सीरीज के अंतर्गत जो है गांव कनेक्शन कुछ ऐसे गैंगरेप के केसेस को स्टडी कर रहा है, उन परिवारों से वापस जाकर मिल रहा है जिन्होंने अपनी बच्चियों को खो दिया बलात्कार से, और उसके बाद उनका केस जो है पिछले काफी सालों से चल रहा है। 2014 में मई 28 तारीख को दो छोटी बच्चियों की लाश मिली थी, कटरा सदरगंज बदाऊं उत्तर प्रदेश में एक पेड़ से टंगी हुई। जांच में शुरुआत में ये निकल कर आया कि दोनों बच्चियों के साथ में जो है बलात्कार किया गया था, उसके बाद उनको मारकर पेड़ से लटका दिया गया। 8 साल हो गए हैं, पॉक्सो के अंतर्गत ये केस अभी भी चल रहा है। गांव कनेक्शन ने बदायूं में जाकर इन बच्चियों के परिवार वालों से मिले और ये जानना चाहा कि पिछले 8 सालों में पॉक्सो के अंतर्गत इस केस की क्या स्थिति रही है, क्या मुश्किलें आई हैं परिवारों को इस केस में लड़ने के लिए। गांव बुलेटिन की हमारी पहली खबर जो ये है बदायूं उत्तर प्रदेश से है। गांव बुलेटिन की हमारी दूसरी खबर जो है वो बेंची नाम का एक गांव है जो हुगली वेस्ट बंगाल में है, वहां से है। बेंची गांव में करीब 200 किसान हैं जो हर साल अपने वहां पे पुकुर यानी जो उनके तालाब होते हैं, जो पॉन्ड होते हैं, उनको लीज पे लेते हैं साल भर के लिए और उसमें खेती करते हैं कमल की। यहाँ के जो कमल हैं ये देश भर में मशहूर हैं। हुगली से जो है कमल को देश के अलग अलग प्रदेशों में ही नहीं बल्कि यूरोप के जो देश हैं उनमें भी भेजा जाता है। हर साल जो है दुर्गा पूजा, दिवाली के दौरान जो है इन किसानों को अपने कमल की सबसे अच्छी जो है कमाई मिल पाती है, पर इस साल अगस्त महीने में इतनी तेज और जोरदार बारिश आई जिसके चलते इन किसानों के कमल की जो है फसल पूरी की पूरी तबाह हो गई। हमने हुगली में जाकर बेंची गांव में ऐसे कुछ कमल किसानों से मिलकर बात करी और ये जानना चाहा कि कितना नुकसान हुआ है उनकी कमल की फसल का, और इन किसानों ने हमें यह भी बताया कि ये हर साल कर्जा लेते हैं और फिर कमल की खेती करते हैं और इस साल इनकी कमल की फसल के नुकसान हो जाने के कारण बहुत मुश्किल है कि जो कर्जा इन्होंने लिया है उसको ये चुका पाए। तो गांव बुलेटिन की हमारी दूसरी खबर जो है वो हुगली पश्चिम बंगाल से है। আমার 5-6 বিঘা জল করে পদ্ম চাষ রয়েছে, কিন্তু এবার নিম্নচাপের জন্য পুরো পুকুরটাই প্রায় ফুল নেই বললেই চলে। এই পুজোর মরশুম চলছে, যেখানে আমার প্রতিদিন 1000 ফুল হওয়ার কথা সেখানে আমি 100-150-200 বেশি ফুলই পাচ্ছি না। আমার প্রায় 15 বিঘা জলকর রয়েছে এবং আমাদের এই জলকরের জন্য মহাজনের কাছ থেকে 1,20,000 টাকা আমি ঋণ নিয়েছি এবং আমাদের এই ঋণের পরিবর্তে 20% আমাদের কমিশন দিতে হয় এবং এই 20% কমিশন বাদেও আমাদের যে 1,20,000 টাকা নেওয়া রয়েছে এই 20,000 টাকা কিন্তু মুখ হবে না। আমরা যে এই পদ্ম চাষ করে যেটা আমরা লাভ হবে, লাভ থেকে যদি 1,20,000 দিতে পারি তবে আমাদের এই ঋণটা মুকুব হবে। गांव बुलेटिन की हमारी तीसरी खबर जो है राउरकेला उड़ीसा से है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में जो है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज जहां पर किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकें ऐसी बहुत कम फैसिलिटीज हैं, जिसके चलते हमारे किसानों को जो है आनन फानन में अपनी फसल को किसी भी दाम पे बेचना पड़ता है। पर धीरे धीरे करके जो है देश में हमारे कुछ ऐसी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप करी जा रही हैं जहां पर किसान अपनी फसल को जाकर जो है रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और जब उनको लगे कि मार्केट में उनकी फसल का प्राइस जो है वो अच्छा हो रहा है तब वो उस कोल्ड स्टोरेज यूनिट से उसको निकाल कर सही दाम पर जो है अपनी फसल को बेच सकते हैं।
तो ऐसा ही एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट जिसकी कैपेसिटी है 5 मीट्रिक टन की, वो सेटअप किया गया है राउरकेला सुंदरगढ़ उड़ीसा में, और इसे सेटअप किया है बाजल एजेंसी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी और EMPA नामक संस्था ने जो कि स्विट्जरलैंड में बेस्ड हैं। इन दोनों संस्थाओं ने जो है लोकल एजेंसीज के साथ में जुड़कर ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप की है ताकि जो हमारे छोटे किसान हैं उड़ीसा के, वो इस फैसिलिटी में अपनी जो फसल है, अपनी जो सब्जियां ये लोग ग्रो करते हैं, चाहे जो फल ग्रो करते हैं, उसको स्टोर कर सकें। इस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की खासियत ये है कि इसको जो चला रही हैं वो वहाँ की ग्रामीण महिलाएँ, माँ तारिणी सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम का एक महिलाओं का संगठन है, वह इस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को राउरकेला में चला रहा है। कोयल फ्रेश नाम की एक कंपनी है जिसके साथ में टाई अप किया गया है, जो इन महिलाओं को ट्रेनिंग देती है इस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को चलाने के लिए, और साथ ही साथ मार्केट के साथ में जो है किसानों को जोड़ रही है। तो ये है हमारी गाँव बुलेटिन की अगली स्टोरी जो है राउरकेला उड़ीसा से। गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर जो है वो त्योहारों से जुड़ी हुई है। हम आशा करते हैं कि आपने इस साल जो है रामलीला का आनंद लिया होगा, अपने परिवार के साथ में अपने बच्चों को लेकर रामलीला दिखाई होगी, और साथ में दशहरे का त्योहार भी जो है आपने मनाया होगा। तो हमारी गांव बुलेटिन की जो चौथी खबर है वो रामलीला और दशहरे के त्योहार से ही जुड़ी हुई है। लखनऊ की जो ऐशबाग की रामलीला है वो बहुत मशहूर है। माना जाता है कि ये रामलीला जो है करीब 300 साल पुरानी है, और इस रामलीला को शुरू किया गया था गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और ऐशबाग की जो रामलीला है उसके लिए देश भर से कलाकार आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, उनका कंपटीशन होता है, और उसके बाद जो अच्छे कलाकार होते हैं उनको ही मौका मिलता है ऐशबाग की रामलीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसके अलावा जो है ऐशबाग का दशहरा भी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि ऐशबाग का जो रावण का पुतला है वो लखनऊ में सबसे ऊंचा होता है। पर आप जानते हैं क्या, इस साल इस दशहरा के त्यौहार पर ऐशबाग के त्यौहार की जो 300 साल पुरानी प्रथा चल रही थी रावण के साथ में कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाने की, उसे इस साल खत्म कर दिया गया है। क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स का ये मानना है कि गलती जो है वो सिर्फ रावण के अहंकार की थी, जिसके चलते जो है उसके पूरे वंश का नाश हो गया, उसमें जो है कुंभकर्ण और मेघनाथ की कोई गलती नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब से जो है दशहरा के त्यौहार पर सिर्फ रावण का ही पुतला जलाया जाएगा और कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला नहीं जलाया जाएगा। तो गांव बुलेटिन की हमारी जो चौथी खबर है वो ऐशबाग की रामलीला और ऐशबाग के दशहरे पर है। गांव बुलेटिन की हमारी पांचवी खबर के लिए हम आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही मधुर संगीत की यात्रा पे। राजस्थान कबीर यात्रा जो है वो चल रही है राजस्थान में। इसमें जो है कलाकार देश भर से आते हैं और वो लोग भक्ति, निर्गुण और सूफी कवियों की जो परंपरा है, जो उनके गीत संगीत है, उसका जश्न मनाते हैं। और हमने जो है एक बहुत ही खास बात इस राजस्थान कबीर यात्रा के बारे में ये भी पता चली है कि ये जो यात्रा है इसको राजस्थान पुलिस जो है वो सपोर्ट करता है, और इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कारण ये है कि राजस्थान में है जो 2014-15 के आसपास बहुत मेवाड़ रीजन में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे, तो पुलिस ने ये सोचा कि एक अलग तरीके से जो है इस सांप्रदायिक दंगों को रोकना है, और उन्होंने संगीत का साथ लिया, उन्होंने जो है राजस्थान कबीर यात्रा को सपोर्ट किया ताकि संगीत के जरिए जो है प्रेम का मैसेज जो है पूरे एरिया में लोगों तक दिया जाए। कितनी खूबसूरत बात है कि किस तरह से संगीत जो है लोगों के बीच के जो बैरियर्स होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको किस तरह से तोड़ देता है और प्रेम करना सबको सिखाता है। तो ये है हमारे गांव बुलेटिन की पांचवी खबर राजस्थान से। गांव बुलेटिन की छठी खबर भी जो है वो संगीत और संगीत के कलाकारों से ही जुड़ी हुई है, और ये खबर आई है केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से। केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है केंद्रा नाम के कुछ ऐसे फोक सिंगर्स होते हैं जो नाथ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। नाथ कम्युनिटी के जो आदमी होते हैं उनके पास में केंद्रा नाम का अपना एक वाद्य यंत्र रहता है, जिसको लेकर वो सुबह घर से निकल जाते हैं और पूरे दिन जो है गांव-गांव घूमते हैं,
संगीत को लेकर गाने गाते हुए जो कि उड़िया लिटरेचर और उड़िया कल्चर से जुड़े हुए हैं। बदले में इनको लोग जो हैं या तो दान में पैसे देते हैं या कुछ लोग इनको खाने की वस्तुएं देते हैं। ये बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है जो उड़ीसा में केंद्रा सिंगर्स का चलता हुआ आ रहा है। तो गांव बुलेटिन की हमारी जो ये छठी खबर है ये केंद्रपाड़ा उड़ीसा से है। गांव बुलेटिन की हमारी आखिरी और सातवीं खबर जो है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जो है रोजगार केंद्र खोले जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन TRIF नाम की एक संस्था है जो कि सरकार के साथ मिलकर ये रोजगार केंद्र खोल रही है, जहां पर ग्रामीण लोगों को अलग अलग तरह का शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपने आप छोटे छोटे अपने बिजनेस सेटअप कर सके और अपनी आजीविका कमा सके। तो ऐसे रोजगार केंद्रों में जो है गांव की जो लड़कियां हैं जो महिलाएं हैं उनको ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया जा रहा है, साथ ही साथ में ग्रामीण जो युवक हैं उनको कोचिंग सेंटर्स खोलने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और साथ ही में टेली मेडिसिन के जो सेंटर हैं उनको भी खोला जा रहा है। इसके चलते जो है ग्रामीणों को अपना आजीविका कमाने में बहुत बहुत फायदा हो रहा है। तो ये थी हमारी गांव बुलेटिन की सातवीं खबर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो यही थी इस हफ्ते की गांव कनेक्शन की गांव बुलेटिन की सात मुख्य खबरें। इसके अलावा आप जो है हमारी वेबसाइट www.gaonconnection.com पर जाकर हमारा गांव रेडियो जो है किसी भी समय सुन सकते हैं। गांव रेडियो में हम आपके लिए अलग अलग तरह के खास प्रोग्राम लाए हैं, चाहे वो फोक म्यूजिक के ऊपर हो, संगीत पे हो, संगीतकारों पे, कलाकारों पे हो, ग्रामीण महिलाओं पे हो या फिर किसानों से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। तो आप जो है हमारी वेबसाइट में जाकर गांव रेडियो को ज़रूर सुनिए और बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन। धन्यवाद।